Good morning everyone, I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain worksheet of chapter 7, saying without speaking. Let's see worksheet 1. Question number 1. We must be wondering that what kind of faces these are. They have no eyes, no nose, no mouth. We have to make this but only after reading what is written alongside. यहाँ पे कुछ pictures दिए गए हैं. इस pictures में eyes नहीं है, nose नहीं है और mouth नहीं बने हुए हैं. यहाँ पे आपको इस sentence को read करना है, पढ़ना है और उसके according आपको figure draw करने हैं. This is Aftab. His favorite toy has fallen down and broken. He is sad. How will his face look? ये आफ्ताब है और इसका फेवरेट टॉय जो है वो गिर के टूट गया है, तो उसका फेस कैसा दिखेगा. हिज फेस लुक सैड. ओके, नेक्स्ट. दिस इज जूली. हर लिटिल सिस्टर वॉज बोर्न जस्ट यस्टरडे. शी इज वेरी एक्साइटेड. हाउ विल हर फेस लुक. ये जूली है और इसके घर इसकी छोटी बहन हुई है, जिसके कारण ये बहुत ही खुश है. इसका फेस कैसा होगा. हाउ विल हर फेस लुक. हर फेस लुक्स जॉयफुल. ओके, हर फेस लुक्स जॉयफुल. नेक्स्ट, दिस इज Yamini's mother. Today while Yamini was taking out the bottle of pickle from this kitchen, it fell from her hand and broke. Drew and look on her mother's face. ये Yamini की मम्मी है और इनके हाथ से अचार की जो जार बोतल है वो टूट गई है. तो इनकी फेस को आप her face looks irritated. Her face look irritated. Okay. Next. This is Rehana. She is afraid of dogs. While playing, suddenly a dog came in front of her. How will Rehana's face look? Rehana, ये Rehana है और ये डॉग से डरती है. और अचानक ये जब खेल रही थी तो अचानक एक डॉग उसके सामने आ गया, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर गई. हाउ विल रिहानास फेस लुक. हर फेस लुक स्केयर्ड. फेस लुक स्केयर्ड, यहाँ पे आपको डरा हुआ फेस बनाना है. ओके, नेक्स्ट. सी द वर्कशीट 2. मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए गए हैं, इसे मैच करना है. हियर वी यूज ईयर्स टू हियर. यहाँ आप ईयर्स का फिगर ड्रॉ करोगे क्योंकि ये फिगर रॉन्ग है. ओके, हियर और ईयर. सी का मैच आप आई से करोगे. आई यूज टू सी. स्मेल वी यूज नोज टू स्मेल. नोज टू स्मेल. टेस्ट वी यूज टंग टू टेस्ट. वी यूज टंग टू टेस्ट. टच we use skin to touch. Okay, another question. Match the images with their corresponding filling. यहाँ पे कुछ fillings के pictures बने हुए हैं और यहाँ कुछ filling है, उसको आपको match करने हैं. Okay, first sleepy. से match करोगे sad. Worried. Hungry, tired, happy,
frosty, angry, chic. Okay. Next. Now, next question. Answer the following. Have you ever seen anyone talking through accent? क्या आप किसी को accent करते हुए देखा है? Answer. Yes. I have seen mime artist and dumb people, जो कि बोल नहीं सकते, unable to speak, dumb people. So, talking through accent, mime artist और dumb people को मैंने accent करके बात करते हुए देखा है. ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन. व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस? कब पीपल को एक्शन करते हुए बोलने की जरूरत होती है? आंसर, पीपल नीड टू लाइक दिस, टू टॉक लाइक दिस व्हेन they are not able to speak or hear. जो पीपल बोल नहीं सकते और जो सुन नहीं सकते, वैसे पीपल को साइन लैंग्वेज की जरूरत होती है. ओके, अनदर क्वेश्चन. Observe children of about 6 to 8 months in your area. How do they express themselves? आपको अगल बगल में, जैसे अपने एरिया में 6 से 8 months के बच्चों को देखने हैं, वो अपने फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो आपको बताने हैं. Answer, a child of about 6 to 8 months usually expresses making strange sound and some एक्सेंट. 6 से 8 मंथ के जो बच्चे होते हैं वो कुछ स्ट्रेंज साउंड से और कुछ एक्सेंट करके अपनी फीलिंग को शो करते हैं. इट्स मदर एंड फैमिली मेंबर्स बिकम एक्सपर्ट इन गेसिंग व्हाट द चाइल्ड इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस. उनकी मम्मी जो होती है और उनके फैमिली मेंबर जो होते हैं वो एक्सपर्ट हो जाते हैं कि बच्चा क्या कहना चाहता है इस बारे में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? नेम देम. हम लोग के पास कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके नाम को लिखना है. आंसर, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. आई, ईयर, nose, tongue, skin. ओके, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. आई, ईयर, नोज, टंग, एंड स्किन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्कशीट 3, क्वेश्चन नंबर 1. हाउ डू पीपल हु कैन नॉट स्पीक एक्सचेंज देयर थॉट?
लोग जो कि बोल नहीं सकते वो अपने थॉट को कैसे एक्सचेंज करते हैं? आंसर, दे एक्सचेंज देयर थॉट विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज के द्वारा वैसे पीपल जो कि बोल नहीं सकते हैं, द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज के द्वारा वो पीपल जो कि बोल नहीं सकते वो अपनी थॉट को एक्सचेंज करते हैं जी लैंग्वेज। ओके, अनदर क्वेश्चन, व्हाई आर आवर सेंस ऑर्गन्स इम्पॉर्टेंट? हमारा सेंस ऑर्गन्स क्यों महत्वपूर्ण होता है? Answer, our sense organs help us to know about the world. हमारा जो sense organs है वो हमारे world में क्या क्या होता है इसके बारे में हमें जानकारी देती है, और इसीलिए सेंस ऑर्गन्स जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज टॉट ऑफ दो चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक और हियर? किस तरह के लैंग्वेज सीखते हैं जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं? आंसर, दे आर टॉट TAUGHT, दे आर टॉट लिप रीडिंग एंड साइन लैंग्वेज। वे पीपल जो कि बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते वो लिप रीडिंग और साइन लैंग्वेज सीखते हैं। ओके, अनदर क्वेश्चन, लिस्ट फ्यू फीलिंग यू नो। आप जो फीलिंग जानते हैं उसके बारे में आपको लिखने हैं, उसके लिस्ट तैयार करने हैं। फर्स्ट, एंजॉयमेंट, sadness, fear, anger. Okay, now another question, look at the pictures and make a story of your own, tell the story to your friends. आपको इस pictures को देखने हैं, ये pictures दिए गए, इस pictures को देखने हैं और इसमें story बनाने हैं और वो story अपने friends को सुनाने हैं। See the first picture. There was a squirrel. She lived on a big tree. There was a squirrel. There was a squirrel. She lived in big tree. She lived on a big tree. वो एक बड़ी से पेड़ पे रहती थी। ओके, वन डे सी डिसाइडेड टू कुक समथिंग। एक दिन वो डिसाइड की कुछ बनाने के लिए, एंड सी प्रिपेयर्ड फूड, और वो अपना फूड जो थी वो प्रिपेयर्ड की, तैयार की। एंड सी इनवाइटेड हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट की, लाइक रैट्स, Crow and Mena. All her friends enjoy the feast. सभी उसके फ्रेंड जो थे वो enjoy किए। They said thank you. वे स्क्वेरल को thank you बोले। Okay, और सब बहुत happy थे। That's it. Thank you.